इनकी हालत सही नहीं है। नर्स सीपीआर रेडी करो। या अल्लाह इसे जल्दी उठा ले। नर्स इंजेक्शन रेडी करो। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, ही इज नो मोर नाउ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये चाल भी इसकी उल्टी पड़ गई। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करी मिस इबादत। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो ठीक था, वो बात कर पा रहा था, वो रिस्पॉन्ड भी कर पा रहा था और उसके सारे वाइटल्स भी नॉर्मल थे, बट अचानक उसे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज थोड़ी देर में उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाएंगी तो पता चली जाएंगे कि उसकी मौत किस वजह से हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फरहान ऐसे कैसे जा सकता है? फरहान कैसे मर सकता है, इसका जवाब तो तुम दोगी ना इबादत। बताओ, क्या तुमने फरहान को जान से मार दिया? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम ऐसा ही करती आई हो। तेरे और सुभान का निकाह रुकवा दिया तुमने और यहाँ पहुंचने से पहले तुमने फरहान को जान से मार दिया ताकि उसके साथ साथ तुम्हारी सच्चाई भी दफन हो जाए। जबान को संभाल कर बात करो, बदतमीज लड़की। इबादत के सीने में दिल है, वो तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है। किसी को मारना तो दूर, किसी को चोट तक नहीं पहुंचा सकती है। तू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही मन्नत। इबादत किसी की जान नहीं ले सकती, किसी को मार नहीं सकती, इसमें इतनी हिम्मत ही कहां है? ये तो बस दूसरों का सहारा लेके अपना काम करती है। उन्हें जान से नहीं मारते, उन्हें बस तड़पता रहने के लिए छोड़ देती है। ये अच्छी तरीके से जानती थी कि फरहान मरने वाला है, इसने उस मरते हुए इंसान का भी फायदा उठाया। ये कुछ साबित तो कर नहीं पाई लेकिन अपनी एक चाल में कामयाब हो गई, मेरी और मन्नत की शादी तोड़वाने में।